दीमक सर सर एक मिनट, मेरे भाई साहब ने अभी कहा ना कि जो पीला हो जा रहा है वो बोर्ड, अभी पेंट जब पेंट नहीं होता जाता, लेट में पेंट करते तो पीला हो जा रहा, कोई भी बोर्ड पीला हो जा रहा, उसका शिकायत नहीं है। शिकायत ये साहब बोर्ड का जो रेट जो बढ़ते जा रहा लगातार, प्रॉब्लम ये मेन प्रॉब्लम ये है, और कीड़े उड़े कुछ भी नहीं आते, जो बोर्ड भीग गया तो कीड़े तो आते, कौन सा भी बोर्ड पे कीड़े लग गए तो भीग गया ऊपर से तो कीड़े आते, प्रॉब्लम ये यूपी भी वही चढ़ाता हूँ मैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही है। अरे कोई भी बोर्ड लगा के छोड़ दो, एक महीना पेंटिंग नहीं किया गया तो येलो कलर हो जाता है कोई भी बोर्ड, लेकिन बोर्ड स्ट्रांग रहता है उसमें कोई नमी नहीं होता। प्रॉब्लम एक ही है, खाली आपका जो ये रेट है ये रेट ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है, बस आप कितना रेट है मार्केट में, कितना साफों से कितना पैसे दे के काम करें वो समझ में नहीं आया, इसलिए लोकल बोर्ड यूज करते हैं। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान के यहाँ की बोर्ड लगाए, सही है, बट क्या है ओमान से बोर्ड आता है हमें 300 रुपए में मिलता है, आपका बोर्ड यही इंडिया में बनता है मगर हमें 410 रुपए 500 रुपए मिलता है। और कुछ सवाल है इसको प्राइस को लेकर? नहीं मैं नहीं है फुलका, कोई नहीं सवाल है क्या है? ठीक है भैया मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेट बढ़ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है मेक इन इंडिया में यूज करना चाहते हैं लेकिन बाहर का बोर्ड सस्ता है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक इकोनॉमिक्स क्लास देना पड़ेगा, लेता हूँ मैं आपके आपको आसानी से समझने वाले मैटर में बताऊंगा मैं। आज 12 बज जाने तो प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। पहली चीज है ओमान से जो बोर्ड इंडिया को आ रहा है ना वो, उसके लिए आपको मैं कैसे बताऊं, उधर का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर हम इधर एक फैक्ट्री लगाते हैं 400-500 करोड़ लगते हैं, तो 400-500 करोड़ का ब्याज भी लगता है, और इंडिया में इतने सारे आज के दिन में मतलब एक 10 साल पहले या 15 साल पहले, क्योंकि 1997 में हमने घर बनाया था मोती नगर में, तब एक हाल का छोटा सा पार्ट में पीओपी का शीट लगा है, ठीक है, अभी हर एक घर में जिप्सम शीट लग रहा है, तो ये मार्केट 1997 से 2020 तक इतने सारे कारीगरों को कैसा रोजगार दे रहा है, इसके पीछे हमारे जैसे अब देखे आप ओमान का बोले, ओमान का कभी आप सेल्स पर्सन देखे या कभी कोई मीटिंग हो गए या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करे बोलो या कुछ कंप्लेन